गुड इवनिंग बच्चों, आज डिस्कस करेंगे अपन एस ब्लॉक की रिएक्शंस। बेटा अपन जो टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। केमिकल बॉन्डिंग में खूब सारा पार्ट पी ब्लॉक का भी आ गया। फिर लेक्चर्स में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के नाम से रिएक्शन पार्ट भी दिया है। अब आपने देखा होगा कि एफ के अंदर रिएक्शन पार्ट को अलग कर दिया गया, केमिकल बॉन्डिंग को अलग कर दिया गया है। फ्यूचर में जब भी मैं केमिकल बॉन्डिंग रेफर करूंगा तो उसका मतलब होगा अपने नोटबुक में, या जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स किए मेरे ख्याल से 1 से लेकर 26 तक हैं, और उसके बाद में जो लेक्चर्स हैं वो रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक हैं, उनके अंदर से भी वो बात की बातें हैं जो अपन बोर्ड के लिए डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में ग्रुप 13-14 पढ़ने की जरूरत नहीं, 15-16-17-18 सफिशियंट है। और उसके बाद में एस ब्लॉक, ये जो एस ब्लॉक का टॉपिक है ये अपने बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये नीट के सिलेबस में है, इसलिए इसको अपन कर रहे हैं, अदरवाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एस ब्लॉक को करने की जरूरत नहीं बनती है। एस ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है आयोनिक बॉन्ड। अगर आप एस ब्लॉक को ढंग से करना चाहते हैं, या यूं समझ लो कि एस ब्लॉक को आप करना ही नहीं चाहते लेकिन एस ब्लॉक में अपने को नंबर मिल जाए नीट में, भाई सब कुछ दुनिया में सब कुछ जोड़ भाग नंबर के पीछे ही हो रही है। हालांकि वो ठीक है, अपने को उसका पढ़ना भी चाहिए, हर लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए। जब अपने को एक्सपेक्टेड है कि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारी किताबों में लिखा हुआ वो हमें आना चाहिए। लेकिन अगर मुद्दे की बात करें कि भी हम बात कर रहे हैं एग्जाम की, हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्स के लिए हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो नीट के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना आयनिक बॉन्ड का सेक्शन है। अगर आप बोलोगे सर आप एस ब्लॉक पढ़ा रहे हो, आयनिक बॉन्ड के नाम का नाम ले रहे हो, ऐसा क्यों? तो एस ब्लॉक में होते हैं मेटल्स, और मेटल्स बनाते हैं कैटायंस, और कैटायंस एनायंस के साथ बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड का डिटेल नॉलेज मैं आपको आयोनिक बॉन्ड के स्टडी में केमिकल बॉन्डिंग में दे चुका हूँ, यानी इस चैप्टर का जो प्रिकर्सर है ना, यानी इस चैप्टर के पहले जिसको कर लेना चाहिए वो जो है वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड अगर आपका मजबूत होगा तो एस ब्लॉक में मजबूती अपने आप आ जाएगी। फिर भी कुछ बच्चे देखते हैं कि सर एनसीईआरटी में तो काफी सारे पॉइंट अलग दिए हुए हैं, आपने जो खराबा है उससे अलग दिए हुए हैं, तो ठीक है बेटा एनसीईआरटी को देखेंगे तो अपने को दिमाग में तो आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें कि हर साल एक क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक का, और मैं जानता हूं कि एस ब्लॉक का वो क्वेश्चन आने की संभावना है सबसे ज्यादा जिस सेक्शन से होगी वो होगी आयोनिक बॉन्ड वाले पार्ट से जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में कर लिए हैं। तकरीबन अपन रेशो रख सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी का कि 70% चांसेस ये है कि वहां से आए, 30% जो मैं अब करवाऊंगा उसमें से आ सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो एस ब्लॉक का ये कर लीजिएगा। एस ब्लॉक के जो रिएक्शन पार्ट है उसको करते करते कुछ बीच बीच में ऐसे ही मेमोराइज करने वाली बातें भी आ सकती हैं, है ना, एग्जाम्पल किसी कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम वगैरह, तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कुछ बचता है भी 30% पार्ट भी अपने वो अच्छी तरह कवर करना है तो फिर ये बचता है। तो अब ढंग से उसको एस ब्लॉक के पार्ट को कीजिएगा। एस ब्लॉक के अंदर क्या है देखो बेटा, रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक में सबसे पहला है गिव द रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जो मैंने यहाँ लिखा है, एल्कली मेटल है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं क्षार धातु, पता है बेटा, लिथियम वाले ये वाला ग्रुप है, Li Na K Rb Cs, इतने सफिशियंट है। फ्रेंशियम को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय होता है, इसलिए अनस्टेबल है, इसको स्टडी नहीं किया जाता है ना। तो जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वो लिथियम से लेके सीजियम तक ही है, इसलिए उनको अपन मेन रखें। तो एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु ये पांच है मुख्य, है ना, मेन ये पांच है, और इनकी रिएक्शन करवानी है अपने को O2 के साथ, N2 के साथ, पानी के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ और हाइड्रोजन गैस के साथ। अगर आप बोलोगे सर रिएक्शन को करने का बेसिस क्या रखें बेटा, हमारे को मेटल्स की रिएक्शन करवानी है, मेटल जब रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो अगले को इलेक्ट्रॉन देगा, अगला इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा एनायन, ये बनाएगा कैटायन, यानी इससे बनेगा धनायन, और अगले वाले से बनेगा ऋणायन, ऋणायन मतलब नेगेटिव, और इससे बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जुड़ जाएंगे और बनेगा आयनिक कंपाउंड। अब नाइट्रोजन का जो नेगेटिव बनता है वो बनता है N-3, जिसको बोलते हैं नाइट्राइड, अलग से लिख रहा हूं बेटा, नाइट्रोजन का माइनस बनता है N-3, और मेटल का बनेगा M+1, क्योंकि सारे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स का चार्ज कितना आता है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, +1। तो आपको इसका और इसका कंपाउंड बनाना है कि मेटल तो कैटायन बना लेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना लेगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M3N। आप देख सकते हैं बेटा इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, तो बनेगा M3N, जिसको बोलते हैं मेटल का नाइट्राइड। N-3 का नाम होता है नाइट्राइड। कुछ लोग बोलते नहीं सर आपने पहले तो बताया था एजाइड, बेटा एजाइड होता है ये N3 उस पे माइनस,
ना, बोलने में तो ऐसे ही बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं एन थ्री माइनस, इसको भी बोलते हैं एन थ्री माइनस, लेकिन ये एन है, फिर थोड़ी सी सांस ले, उसके बाद बोले माइनस थ्री, ठीक है ना, वो एन थ्री एक साथ बोले, बाद में बोले माइनस वन, ठीक है ना। तो बस वो कहाँ पे रुकना है उससे समझ में आ जाता है सुनने वाले को, कि क्या देखने वाले को समझ आ जाना चाहिए, सुनने वाले की बात बता रहा बेटा, बाकी देखने वाले को दिख ही रहा है कि वहां तीन एन है, तीन एन है तो एजाइड है, और एक एन है उसमें माइनस थ्री चार्ज है तो वो नाइट्राइड है, तो ये नाइट्राइड है, वो एजाइड है, ये है मेटल नाइट्राइड। अब मेटल नाइट्राइड की क्या विशेषता है वो सुनना बेटा, ये जितने भी एल्किली मेटल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा बेटा वो ये है, और इसलिए सिर्फ इसमें ताकत है कि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाए। बाकी क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन में एन ट्रिपल बॉन्ड है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये बॉन्ड इतने मुश्किल से टूटता है कि जब तक इसको अगला कुछ फायदा नहीं दिखे तब तक टूटेगा ही नहीं। और इसको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा है लिथियम के साथ, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा है, जब लिथियम सबसे छोटा है तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए लिथियम के अलावा ये किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। तो आज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लेना बेटा, कि नाइट्रोजन की रिएक्शन, ये देखो मैंने क्या लिखा, नोट इन एल्किली मेटल्स ओनली नाइट्रोजन रिएक्ट, ओनली नाइट्रोजन रिएक्ट, क्षार धातुओं में सिर्फ लिथियम ही क्रिया करता है, ओनली N2 रिएक्ट, N2 रिएक्ट नहीं, ओनली N2 रिएक्ट विद लिथियम, ओनली नहीं, N2 रिएक्ट विद लिथियम ओनली। थोड़ा मैंने गड़बड़ लिख दिया था तो उसको सही कर दीजिएगा, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, इन एल्किली मेटल्स, एल्किली मेटल्स में N2 रिएक्ट विद लिथियम ओनली, यानी अगर मैं नाइट्रोजन को इन सब को दिखाऊं कि भैया तेको कौन सा मेटल पसंद आ रहा है, तो नाइट्रोजन को पसंद आएगा सिर्फ एक, और वो है लिथियम, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, छोटा होने से कैटायन भी छोटा बनेगा, तो लिथियम और नाइट्रोजन का जो लिथियम का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, अदरवाइज नाइट्रोजन की रिएक्शन बहुत पुअर होती है बेटा। नाइट्रोजन है ना को कई किताबों में लिखा जाता है इनर्ट टाइप की गैस है ना, जैसे अक्रिय गैसें होती हैं वैसी हैं, क्योंकि उसके ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रिएक्शन करना चाहता नहीं है, तो N2 की बहुत कम रिएक्टिविटी होने के कारण वो लिथियम के साथ ही रिएक्शन कर पाता है, क्योंकि लिथियम के साथ ही उसका बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो पाता है। तो आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एल्किली मेटल में से इनमें से कौन सा धातु नाइट्रोजन के साथ प्रत्यक्ष अभिक्रिया करता है। चार ऑप्शन दे देंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि अमंगस्ट एल्किली मेटल द मेटल विच कैन गिव डायरेक्ट रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस इज, द आंसर इज ओनली लिथियम। सही है बेटा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर एस ब्लॉक आ जाए तो बेटा एस ब्लॉक में अकेला लिथियम नहीं है, एस ब्लॉक में क्या होता है बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये तो मेटल्स आप आराम से रिएक्शन करेंगे क्योंकि इनका चार्ज प्लस टू है। तो मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो सिर्फ एल्किली मेटल्स की बात बता रहा हूँ, एल्किली मेटल में से इकलौता लिथियम, एल्किली मेटल्स का एक्सेप्शन लिथियम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को मिलाकर नहीं है बेटा ये, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का चार्ज प्लस टू होने के कारण उनमें नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है, सामर्थ्य होता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं एल्किली मेटल्स हैं जो क्षार धातु हैं उनकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ मुश्किल होती है, ये ध्यान रखना है, लेकिन एक रिएक्शन फिर भी कर लेता है वो है लिथियम। तो ये लाइन आप याद रखना कि एल्किली मेटल्स में, ध्यान रखना कुछ लोग एस ब्लॉक याद रखते हैं, एस ब्लॉक नहीं, एल्किली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाला मेटल होता है। चलो फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पानी के साथ रिएक्शन। बेटा पानी के साथ रिएक्शन बड़ा सिंपल तरीके से कर लो, पानी के दो टुकड़े कर लो, पानी के दो टुकड़े कौन कौन से करोगे बेटा, एक तो H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन। मेटल के दो टुकड़े कर लो, मेटल के दो टुकड़े क्या करोगे, एक तो M प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। बताओ ये M प्लस पानी का क्या खाएगा, तो पानी का ये खाएगा OH माइनस, M प्लस तो खाएगा पानी का OH माइनस, ये MOH बना लेगा, ये देखो बन गया MOH। H प्लस खाएगा इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन खाके क्या बनाएगा बेटा, तो H एटम बनाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, तो इसलिए H और दूसरा H मिलके हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। यानी एल्किली मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। NCERT लिखता है कि पानी की जगह अगर एल्कोहल होगा ROH या इथाइन होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वो भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐसा एच देने की क्षमता रहती है। तो पानी में भी एच प्लस आयन होता है, एल्कोहल में भी H प्लस आयन होता है, एल्काइन में भी H प्लस आयन होता है, और जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, NCERT लिखता है प्रोटॉन डोनर के साथ एल्किली मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, यानी कि प्रोटॉन के दाता के साथ जब एल्किली मेटल क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है इसमें, देखो बेटा यहां तक तो सब लोगों को समझ में आ जाता है, और जो चीज सब लोगों को समझ में आ जाती है
मतलब मुझको ये लगता है कि जो सब लोगों को समझ में आ जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आएगा सभी लोग ही कर देंगे। इसमें क्या, कोई पूछेगा आपसे भी मेटल की पानी के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, और आप बोलोगे कि अच्छा बहुत आसान है, पानी का ओएच के साथ मेटल को चिपका दो, एमओएच बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जवाब दे दिया, जवाब आपका सही है, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस ही कम है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर कुछ लोग क्या सोचें, कुछ लोग क्या सोचें, और वो मैं बताता हूँ, वो सुनिएगा आप। वो बात ये है कि लिथियम की रिएक्शन पानी के साथ जेंटल, लिथियम ये रिएक्शन जो है वो जेंटल करता है, यानी धीमी अभिक्रिया करता है, लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, जबकि दूसरे मेटल्स अदर्स फास्ट विगरस एक्सप्लोजिव, दूसरों की रिएक्शन है फास्ट, ये फास्ट विगरस एक्सप्लोजिव एक ही तरह के हैं, जो एकदम भड़कीली रिएक्शन देते हैं, एकदम भड़क जाते हैं, पानी को देखते भड़क जाते हैं, वो दूसरे मेटल्स हैं। लिथियम के अलावा सारे जो मैंने अभी बताया था, ये सारे के सारे मेटल जो है ये हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिकल करते थे तो सोडियम हमारे मिलता था, तो सोडियम का थोड़ा थोड़ा अगर पानी के सिंक में डाल देते थे तो एकदम आग सी लगती थी। तो इसका मतलब ये कि ये तो पानी में आग कैच कर लेता है, मतलब ये सब भी बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सब सबकी अभिक्रिया विस्फोटक है, तो लिथियम अकेले को क्या है कि इसकी अभिक्रिया बहुत ही धीमी हो रही है, वेरी स्लोली रिएक्शन है ना, वेरी स्लोली रिएक्टिंग सॉरी। तो लिथियम की रिएक्शन जेंटल है, जेंटल का मतलब धीमी अभिक्रिया। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी में भी इस पॉइंट में डिस्कशन अच्छा खासा किया हुआ है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब होता क्या बेटा प्रॉब्लम, कि हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव, लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे टॉप पर आएगी। और यहाँ पर मैं जब बता रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ बेटा ध्यान रखना है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तो सब लोगों को दिक्कत आती है कि सर ये क्या है, वहां पर ये पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आप ये पढ़ा रहे हो एकदम उल्टा पुलटा, और क्या करें। तो बेटा क्या है, इसमें समस्या है एनर्जी की और रेट की। अगर मैं एनर्जी के हिसाब से देखूं तो लिथियम छोटा होने के कारण स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा किसी के भी साथ, है ना, जो अगले के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो लिथियम का आयन का साइज छोटा होने और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये खूब सारी एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी वाली बात होती है थर्मोडायनामिक्स की स्टडी, ऊष्मा गति की। तो थर्मोडायनामिकली अगर देखें तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है वो लिथियम है, तो थर्मोडायनामिकली सोचें तो ज्यादा रिएक्टिव लिथियम है, क्योंकि लिथियम की रिएक्शन जल्दी होगी, जल्दी इन द सेंस है ना एनर्जी के हिसाब से कि एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है लेकिन धीरे धीरे रिएक्ट करता है, क्योंकि लिथियम का जो शुरू में बॉन्ड होगा बेटा, लिथियम जब शुरू में दूसरे लिथियम के साथ जुड़ा हुआ है तो ये वाला बॉन्ड छोटा होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसे जल्दी टूट नहीं पाता है। केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन की रेट इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। तो लिथियम का ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, शुरू में जो एनर्जी देनी पड़ती है हमारे वो बढ़ जाती है, तो रिएक्शन की रेट थोड़ी कम हो जाती है। जब शुरुआत में है ना प्रोसेस मुश्किल होगा तो फिर रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी ना बेटा, रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी ना, तो रिएक्शन की रेट कम हो जाती है लिथियम की। तो लिथियम की रिएक्शन की रेट कम होने का कारण मैंने बता दिया आपको कि लिथियम का खुद का इंटरनल जो बॉन्ड है, इंटरनल लैटिस, लिथियम का खुद का जो लैटिस है वो स्ट्रांग है, वो पानी से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आप लिथियम की रिएक्शन पानी के साथ कराओगे तो बबल्स धीरे धीरे आएंगे, बबल्स बनेंगे। अगर आप बोलोगे बबल्स किसके बनेंगे, बुलबुले किसके बनेंगे, तो हाइड्रोजन के बुलबुले बनेंगे बेटा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ना तो बुलबुले बनेंगे, लेकिन ऐसे विस्फोटक बुलबुले नहीं बनेंगे कि एकदम विस्फोट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन की रेट कम होने के कारण हम ये कहते हैं कि वो धीमी अभिक्रिया देता है, जेंटल रिएक्शन देता है, दूसरे एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बताया जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो वहां पर एडजस्ट कर लेना, वहां पर सर से आर्ग्यूमेंट मत करना, या ऑनलाइन बैठे बैठे परेशान मत होना कि ये पता नहीं वो तो क्या पढ़ा के चले गए और ये क्या पढ़ा रहे। वो आपको जरूर बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर है, लेकिन समझ जाना वो एनर्जी वाली रिएक्टिविटी है। इसका मतलब एनर्जी रिएक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि सबसे ज्यादा एनर्जी वो लिबरेट कर रहा है, इसलिए उसका ई नॉट सबसे ज्यादा नेगेटिव रख दिया गया है। ये ई नॉट वहां की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज है, मैं आपको जानबूझ कर ही बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहिए, ठीक है ना। तो जो लिथियम के लिए जो ई नॉट बताएंगे वो आपको मोस्ट नेगेटिव बताएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि लिथियम मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ध्यान रखना वो एनर्जी के हिसाब से है। तो ये वाला पॉइंट मैं सोचता हूँ कि आपको आ गया होगा। तो क्या ध्यान रखोगे बेटा कि लिथियम, देखो आप बार बार देख रहे होंगे बेटा मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें लिथियम कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ रहा है, तो लिथियम के बारे में ध्यान रखना बहुत एक्सेप्शनल चीज है, ठीक है ना। हर बात में कुछ ना कुछ अलग करना है इसको, ठीक है ना। तो लिथियम जो है वो जेंटल रिएक्शन देगा, दूसरे फास्ट विगरस एक्सप्लोजिव रिएक्शन देंगे। फिर आता है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन, ये बड़ी आसान सी रिएक्शन है। मेटल एज यूजुअल मेटल हमेशा क्या लेगा बेटा, प्लस
मेटल के ऊपर आएगा प्लस, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर आएगा प्लस, एच को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अपनी आदत के विपरीत, उसको एच इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन को आदत नहीं इलेक्ट्रॉन खाने की, लेकिन मेटल जब रिएक्टिव है और मेटल इलेक्ट्रॉन देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे। तो मेटल के साथ में हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन करने का एक ही तरीका होगा, इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बना लेगा बेटा, एच माइनस, जिसका बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो ये बन गया एच माइनस, ये बन गया एम प्लस, इसको बोलते हैं मेटल का हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा। उसमें हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी आएगा मेटल हाइड्राइड। तो बेटा ये हाइड्राइड किस टाइप के, सॉल्ट जैसे है कि नहीं है, तो प्लस और माइनस सॉल्ट जैसे हुए कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहलाते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, एस ब्लॉक यानी एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बना लेता है। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कैसे होते हैं, कोवेलेंट आयनिक, तो आंसर है आयनिक, कैटायन है, एनायन है, आयनिक हो गया। इनमें भी वही वाली बात है, लिथियम की रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी बेटा, तो लिथियम की रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि लिथियम लिथियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो एनसीईआरटी लिखता है कि लिथियम इकलौता है जो कि 1073 केल्विन यानी 1073 केल्विन पर रिएक्ट करता है, मैंने टेम्परेचर लिख दिया है, जबकि दूसरे मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी हाई होने के कारण वो अप्रोक्सीमेटली 673 के आसपास रिएक्ट कर जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछे द एल्कली मेटल विच गिव्स स्लोएस्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस इज, तो आंसर जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती रहेगी, इसका मतलब जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो कम होता रहेगा, इसलिए नीचे वालों को 600 से 673 के आसपास अगर टेम्परेचर दे दोगे वो रिएक्शन कर जाएंगे। लेकिन लिथियम इकलौता है जो कि टेम्परेचर उसको चाहिए 1073 या उससे ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। यहां मैंने लिखा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टॉपिक है हाइड्रोजन, ठीक है ना, तीन मैंने बता दिए हैं, चौथा आपके जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन, सॉरी O2। O2 इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो मेटल्स की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या खास बात है वो देखो यहाँ पर, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये देखो क्या लिखा मैंने, मेटल प्लस ऑक्सीजन, बताओ मेटल्स पर क्या चार्ज आएगा, मेटल पर आएगा प्लस, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं तो इन पर आएगा प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आता है बेटा माइनस। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन पे माइनस तीन तरीके से आ सकता है, वो तीन ये तरीके है बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन पर अगर एक ऑक्सीजन पर एक ओ है और उस पर माइनस दो चार्ज आए तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते जरूर बोलना बेटा ये बात कि एक ओ पे दो माइनस का नाम सर ने बताया नॉर्मल ऑक्साइड। फिर अगर स्लैश करो और बोलो कि अगर दो ऑक्सीजन है और उनपे दो नेगेटिव आए, चार्ज उतना की उतना ही लेकिन ओ एक की जगह दो हो गए, तो इसको बोलेंगे पेरोक्साइड। बोलो क्या बोला मैंने, पेरोक्साइड। और अगर दो ऑक्सीजन है लेकिन एक माइनस चार्ज है तो उसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, है ना। सुपर ऑक्साइड को मैंने यहाँ एसओ लिखा है, यहाँ पीओ लिखा, परऑक्साइड एनओ लिखा है, नॉर्मल ऑक्साइड। हिंदी मीडियम वाले भी बेटा ये नाम सेम रखें, ऐसा नॉर्मल का नाम कोई अलग नहीं होगा, है ना, ये नॉर्मल ऑक्साइड ही, हिंदी मीडियम में भी ये नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये नाम ध्यान रखना है। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें क्या करें क्या बनेगा, है ना, ये नॉर्मल ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन क्या बनाएगा, तो वैसे तो मैं आपको एक यू समझ लो, एक ट्रिक समझ लो आप, कि ट्रिक ये है कि पहला यहाँ पे लिखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना, यहां पे लिखो एन ओ, यहां पे लिखो पीओ और यहां लिखो एसओ। हाँ, और ये याद रखना, ये ट्रिक बता रहा हूं, ये याद रखना, पहला नो, फर्स्ट नो, सेकंड पीओ एंड थर्ड SO, सुपर, थर्ड इज सुपर, तो लास्ट में थर्ड मतलब तीन, ये तीन जो आ रहे हैं लास्ट में, पहला नो है, नो मतलब नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, क्यों बनाएगा छोड़ो अभी, तो याद करने वाली बात समझ लो, पहला बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, पहला कौन है लिथियम, लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, अगला सोडियम बनाएगा परऑक्साइड और बाकी तीन बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। बाकी तीन समझ लो ये है ना, जो ये तीन है वो तीन एकदम अलग से रहते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी काफी मिलती जुलती है, इसलिए तीनों की प्रॉपर्टी ये कि तीनों सुपर ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं, सोडियम परऑक्साइड बनाना पसंद करता है, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाना पसंद करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पिछले है ना वाले स्लाइड में लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कुछ बात है इसमें, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैंने कहा ना बेटा कि एस ब्लॉक जो ओपन अप कर रहे हैं उसमें चांसेस 30% है, इन 30% में से भी अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम किसमें है तो इस वाले टॉपिक में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ढंग से कर लेना एक एक पॉइंट को। तो यहां पर लिथियम के साथ नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड। अब अगर आप बोलेंगे सर इसको ये क्या लिथियम को नॉर्मल ऑक्साइड पसंद क्यों है, बेटा इसका साइज जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है वो ये होता है और ये सबसे छोटा होता है, इसमें एक ही ओ है, इसमें दो है, तो ये सबसे छोटा है और
आयनिक बॉन्ड, लैटिस इफेक्ट्स वगैरह की थ्योरी अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अगर एनायन बड़ा है, अगर यहां पर मान लीजिए ये एनायन है, ये बड़ा है और यहां पर एनायन बड़ा है, तो बीच में जो यहां पर कैटायन आएगा वो तो बड़ा होना चाहिए बेटा, नहीं तो वो क्या होगा कि छोटा कैटायन तो उनके बीच में फिट ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एनायंस बड़ा है तो कैटायन बड़ा होगा, तो लैटिस एकदम मजबूती से रहेगा, कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ये कहलाता है लैटिस इफेक्ट का रूल, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, जिसको बोलते हैं जालक प्रभाव का नियम। जालक प्रभाव का नियम ये कहता है कि अगर आपको स्थायी जालक बनाना है, स्टेबल लैटिस बनाना है, तो एनायन का साइज अगर बड़ा ले तो कैटायन का भी बड़ा ले, लार्ज एनायन से लार्ज कैटायन स्टेबलाइज होंगे, स्मॉल से स्मॉल स्टेबलाइज होंगे, छोटा के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, ठीक है ना, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। हम जाते हैं कभी, है ना, किसी घर पे जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, वो बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, बड़े आपस में बात करने लगते हैं, ठीक है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि छोटे मतलब बच्चों में बड़े इंटरेस्टेड हो, है ना, या बच्चों में बड़े इंटरेस्टेड हो या ऐसा, लेकिन जनरली ये होता है कि बड़ों से बड़े इंटरेस्टेड, छोटों से छोटे इंटरेस्टेड। वैसे ही वैसे यहाँ पर भी यही है कि बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन स्टेबल, छोटे कैटायन के साथ छोटा एनायन स्टेबल, ये मैंने लिखा भी है, देखो बेटा यहाँ पर स्मॉल कैटायन स्टेबलाइज बाय स्मॉल एनायन एंड लार्ज कैटायन स्टेबलाइज बाय लार्ज एनायन, छोटा धनायन छोटे ऋणायन से स्थायी होता है, जबकि बड़ा धनायन बड़े ऋणायन से स्थायी हो पाता है। यानी आपको ये लैटिस इफेक्ट से ध्यान रखना है कि अगर कहीं जालक बनेगा, कहीं प्लस माइनस लगाओगे, तो आप दिमाग में सोच सकते हो बेटा कि अगर एनायंस बड़े हैं, एनायंस बड़े हैं तो उनके बीच में वॉइड भी तो बड़े बनेंगे, तो वो वहां बड़ा कैटायन रहेगा, या बड़ा कैटायन रहने से स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, यूं समझ लीजिएगा। तो उस हिसाब से अपन ही कहते हैं जो सबसे छोटा है इनमें वो सबसे छोटे से स्टेबल रहेगा और वो है एलआई प्लस, सही बेटा। तो छोटे को छोटा स्टेबल करेगा, बड़े को बड़े स्टेबल करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लिथियम सबसे छोटा होने का नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बाकी सारे कैटायंस बड़े हैं तो उनको बड़े एनायन सही, और बड़े एनायन की पहचान है जिनमें दो ऑक्सीजन हो, दो ऑक्सीजन परऑक्साइड में भी, सुपर ऑक्साइड में भी, जिनमें से परऑक्साइड पसंद है सोडियम को, बाकी को पसंद है सुपर ऑक्साइड। तो कुल मिला के ये रिएक्शन, अगर आप बोलोगे सर रिएक्शन कैसे लिखोगे, ये देखो मैंने क्या लिखा, पहले रिएक्शन लिथियम प्लस ऑक्साइड, अब आपको पहले से मालूम होना चाहिए लिथियम के साथ में ये वाला ऑक्साइड आएगा, पहला वाला बताओ इसको कितने लिथियम स्टेबल करेंगे, इसके ऊपर चार्ज माइनस टू है तो लिथियम कितने चाहिए बेटा, तो लिथियम पे होता है प्लस चार्ज प्लस वन, तो इसको लिथियम स्टेबल करेंगे दो, तो फॉर्मूला बनेगा एल आई टू ओ। अगर आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, एक्स्ट्रा क्या लिख दिया, है ना, पढ़ाते कुछ और लिखते कुछ और, तो मैंने इसको कलर दूसरा लिखा है ताकि मैं इसको अलग से बता सकूं। बेटा ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में बनता है, इसको नगण्य मान सकते हैं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो अगर मुख्य उत्पाद पूछेंगे तो ये जाएगा, अगर वो चालाकी पूछते हैं, नहीं बताओ मुख्य के साथ में सेवा उत्पाद भी बताओ, अगर वो ऐसे चालाकी से क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ठीक है बता दो आप एल आई टू ओ टू, एनसीआरटी में भी लिखा हुआ है। अगर आप बोलोगे सर एल आई टू ओ टू है क्या, तो आप खुद सोचो एल आई टू ओ टू को अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो पता लगेगा ये ओ टू माइनस टू, ये है ओ टू माइनस टू, ओ टू माइनस टू क्या होता है बेटा, परऑक्साइड। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, लिथियम बनाता तो नॉर्मल ऑक्साइड है, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटी उसमें परऑक्साइड की भी बनती है, तो ऑक्साइड के साथ परऑक्साइड की अशुद्धि होती थोड़ी बहुत। फिर सेकंड वाला पॉइंट में देखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, तो मैंने क्या कहा था, परऑक्साइड बनाना, परऑक्साइड में ओ टू माइनस टू है, तो इनको सोडियम कितने चाहिए बेटा, सोडियम इनको चाहिए दो, दो सोडियम चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दो सोडियम आ जाएंगे तो बनेगा एन ए टू ओ टू। लेकिन अगर आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया था, ये क्या लिख दिया, तो ये ढंग से देखो आप खुद क्या है, एन ए तो प्लस है तो ओ टू माइनस हो गया, ओ टू माइनस क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, यानी सोडियम की आदत है कि मुख्य मात्रा यानी मेन अमाउंट तो इसका बनता है किसका, परऑक्साइड का, लेकिन कुछ अमाउंट किसका बनता है, सुपर ऑक्साइड का बनता है। तो लिथियम के लिए क्या ध्यान रखोगे बेटा, लिथियम का मेन ऑक्साइड जो है वो तो है नॉर्मल ऑक्साइड, कुछ क्वांटिटी में परऑक्साइड, सोडियम का मेन है परऑक्साइड, कुछ क्वांटिटी में सुपर ऑक्साइड, बाकियों के लिए कोई समस्या नहीं है। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इन तीनों के लिए मैंने क्या बताया, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड पे चार्ज कितना है एक माइनस, तो इनको कैटायन कितना चाहिए, तो एक एक कैटायन, मान लो एक एम है तो एम ओ टू चाहिए, एम ओ टू, MO2 में M क्या है, M है K, RB या CS, एग्जाम्पल के बताओ KO2 या RBO2 या CSO2, सही बेटा। जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की चांसेस है बेटा वो है सुपर ऑक्साइड, जितना मैंने देखा है बेटा, जितने मैंने एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स अलग अलग किताबों से देखता रहता हूं, तो जहां मुझको लगा है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कहीं पर सुपर ऑक्साइड स्टेबल फॉर्म में बन पाते हैं तो कहां बन पाते हैं, तो बस वो तीन के बन पाते हैं, के आर बी सी एस। तो ध्यान रख लीजिएगा पोटेशियम रुबिडियम सीजियम यहां पर एकदम दूसरों से अलग है, क्योंकि यही स्टेबल फॉर्म में सुपर ऑक्साइड डेवलप कर पाते हैं।
सुपर ऑक्साइड आयन हालांकि स्टेबल नहीं है ना, ये कारण है कि ये डिकम्पोज इजीली हो जाते हैं, इनकी रिएक्शन पानी से इजीली हो जाती है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिएक्टिव काफी होते हैं ये। लेकिन अब बात ये है कि रिएक्टिव तो है लेकिन मतलब बनने जो सुपर ऑक्साइड बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ इन तीनों में ही है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, कैटायन बड़ा है इनका, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एब्नॉर्मली लार्ज कैटायंस है, इसलिए इनको लार्ज एनायन चाहिए तो सुपर ऑक्साइड से स्टेबल रहते हैं। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम से सुपर ऑक्साइड बनते हैं। ये सुपर ऑक्साइड अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है ना। फटाफट से अपन उन बातों को रिवाइज करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एल्कली मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर सबसे पहला लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, बाकी बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। लिथियम वाले में और लिथियम वाले ऑक्साइड में कुछ क्वांटिटी परऑक्साइड की होती है, सोडियम वाले परऑक्साइड में कुछ क्वांटिटी सुपर ऑक्साइड्स की होती है, और सुपर ऑक्साइड्स में तो ठीक है सुपर ऑक्साइड बनी रहे। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास में वो देखो बेटा क्या है, ये देखो सुपर ऑक्साइड, ये तीनों कौन सा ऑक्साइड है बेटा, सुपर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में क्या है बेटा, सबसे पहले तो देखो ये है के प्लस और ओ टू माइनस, O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको MOT में पढ़ाया था कि अगर कोई द्विपरमाणविक आयन, अगर कोई डायटमिक मॉलिक्यूल या आयन के पास अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसको हिंदी में अनुचुंबकीय कहते हैं। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, तो मैंने यहां पैरामैग्नेटिक लिख दिया है। तो चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे वो हो, ये सारे के सारे क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, यानी अनुचुंबकीय प्रजातियां हैं। तो क्या ध्यान रखोगे बेटा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सारे के सारे पैरामैग्नेटिक मेटल्स हैं, है ना, सॉरी पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के सुपर ऑक्साइड्स तीनों की तीनों जो है वो क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, बिकॉज ऑफ कैटायन के एनायन, तो आंसर इज एनायन, और वो एनायन कौन है, तो आंसर है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। साथ में आपको ये पूछ सकते हैं कि सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर वगैरह जो आपने डिस्कस किया हुआ है एमओटी में, वो तो पूछ ही सकते हैं आपसे। एनीवेज इंपॉर्टेंट बात एक और है, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं बेटा, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जनरली कलर्ड भी होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ ही कलर्ड भी हैं, और साथ में मैंने भी बताया था आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है बेटा, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो मैं बताता हूँ ये क्यों है, सुपर ऑक्साइड को अलग से लिखो O2 माइनस, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1/2। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हो, -1 दिख रहा है नहीं, या -1/2 कहां से आ गया बेटा, -1 तो दो एटम पर है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम पर निकलती है, तो दो ओ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ओ पर कितना होगा, तो -1/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये -1/2 है। जबकि आप सब लोग जानते हैं ओ को कौन सी स्टेट सबसे पसंद है, तो ओ को सबसे स्टेट पसंद है -2, यानी ओ सपना जब लेता है ऑक्सीजन, सपना जब लेता है कि मैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाऊंगा, मेरे को मजा आ जाएगा वहां पर, मैं ढंग से रहूंगा, तो वो है -2। और अभी किस में बेटा, -2 में, -1/2 में, तो अभी -1/2 में है फिलहाल, -1/2 में जाना का चाहता है वो तो -2 में जाना चाहता है, उसके लिए खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा, तो -1/2 से -2 में यानी ज्यादा नेगेटिव में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन खाने होंगे, इलेक्ट्रॉन खाना मतलब रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करेगा तो अगले का करेगा ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, तो सुपर ऑक्साइड आयन में -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको जाना है -2 में, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं है ना, वो CO2 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, और न सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि उसको O2 में, उससे O2 भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर ये CO2 से रिएक्ट करता है, देखो क्या हो रहा है रिएक्शन, KO2 प्लस CO2, CO2 से ऑक्सीजन गैस छुड़वा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए इस एटमोसफियर में मान लीजिए CO2 गैस है, हम जो एक्सहेल करते हैं गैस वो CO2 होती है, हम जो गैस छोड़ते हैं वो CO2 है। अब हमें उसी CO2 को O2 में बदलना है ताकि हम जो गैस एक्सहेल कर रहे हैं वो हमारे लिए वापस यूजफुल हो जाए, तो KO2 यूज करते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड स्पेस शटल्स में लोग ले जाते हैं, स्पेस शटल्स में KO2 के कैप्सूल्स ले जाते हैं, इतने भारी भारी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए उसकी जगह KO2 ले जाओ, तो KO2 का वॉल्यूम कम होगा बिकॉज सॉलिड होता है, KO2 को ले जाओ वहां पर स्पेस शटल्स के अंदर, सबमरीन्स वगैरह के अंदर, जहां पर लंबे समय तक लिए जाना है, और जहां पर ऑक्सीजन की हमारे पास अमाउंट कम है, तो हमें कोई ऐसा सोर्स लेके जाना है जिससे कि एयर प्यूरीफाई हो, CO2 O2 में कन्वर्ट हो सके, वो KO2 है। हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये सब मैं प्रिपरेशन आपकी इसलिए करवा रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए, और वो क्वेश्चन है
कि स्पेस शटल्स या सबमरीन में वह कंपाउंड जो एयर को प्यूरिफाई करता है, या स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो ये लिखेंगे जो CO2 से O2 बनाने में मदद करता है, वो कौन है? ठीक है ना, अगर हिंदी में बोले तो अंतरिक्षयान या पनडुब्बियों में लोग जो अपने साथ यौगिक ले जाते हैं जिसका कार्य हवा का शुद्धिकरण यानी वायु का शुद्धिकरण होता है, वे कौन सा पदार्थ है? तो आंसर जाता है KO2। KO2 क्यों जाता है? क्योंकि KO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो CO2 को हटा के और वो O2 में कन्वर्ट कर देगा। ये काम Na2O2 भी कर सकता है बेटा, लेकिन NCERT में नहीं दे रखा है। ये जो इनोनी की कुछ बेसिक बुक्स हैं, JD ली वगैरह, उनके अंदर ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है, तो वो मैंने देख के बता दिया, लेकिन आप अपने ऊपर लोड मत लेना कि इतने सारे कैसे याद करें। आप मेनली KO2 याद रख लेना, ठीक है ना। वो तो मैं इसलिए बताया था क्यों कई बार क्या होता है कि बियॉन्ड NCERT, क्योंकि अभी क्या है जो नीट के साथ एम्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये पहली बार ही हो रहा है, उस पहले तो कभी होता नहीं था, हो रहा है, तो मेरे को ऐसे चीजें बतानी पड़ रही है, थोड़ी सी NCERT से बियॉन्ड है, लेकिन वो जनरल नॉलेज टाइप की बातें हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया बेटा, Na2O2 का भी यही उपयोग है जो KO2 का उपयोग है। KO2 का उपयोग क्या है? अंतरिक्षयान और पनडुब्बियों में हवा का शुद्धिकरण, यानी कि द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इन स्पेस शटल्स एंड सबमरीन्स, दिस इज द मेन वर्क ऑफ KO2। द सेम वर्क कैन बी डन बाय अनदर कंपाउंड, दैट इज सोडियम परऑक्साइड Na2O2। ये सब कुछ लिख दिया, यूज इन स्पेस शटल्स अंतरिक्षयान टू प्यूरिफाई एयर, वायु को शुद्ध करने के लिए। कर लोगे ना बेटा, हिंदी मीडियम वाले भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को भी, है ना, ढंग से करते रहो। सारे एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, आगे क्या, चलो ठीक है। ये क्या बता रहे, देखो अभी देखो साइड में, Na2O2 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वापस रिएक्शन ITJ की काम की, ITJ में खूब करवाते हैं इस रिएक्शन को, और काफी काम की रिएक्शन आती है। वहां बताते हैं कि सोडियम परोक्साइड में O कौन सी स्टेट में बेटा, परोक्साइड आयन पे लिखते हैं अपन O2-2, इसमें O की स्टेट कौन सी बेटा, तो आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है -1। और ये जाना कहां चाहता है, वही सपने वाली बात, सपना क्या लेता है, ये सपना लेता है -2 का, जाना चाहता है -2 में, -1 से -2 में जाएगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, अगले वो करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सही है ना, आपने बोल तो दिया है ना, इसका प्रूफ तो कराओ, ठीक है ना, प्रूफ तो कराए, तो मैंने प्रूफ कर दिया। देखो क्रोमियम +3 एक्वस लिया और Na2O2 डाला तो ये सोडियम क्रोमेट बन गया। अगर आप बोलोगे सर इससे क्या बताना चाहते हो बेटा, क्रोमियम पे चार्ज कितना दिख रहा है, +3 दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज निकालो क्रोमियम का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकालना आती है बेटा, सोडियम का होता है +1, तो ये तो हो गया +2, क्रोमियम की निकालनी तो एक्स, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन तो -8 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बोलो फटाफट, दिमाग से कैलकुलेट कर रहे हो तो 6 आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी आएगा। पहले कितनी थी, पहले +3 थी, अब कितनी हो गई बेटा, +6 हो गई, +3 से +6 में ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा, और ये ऑक्सीडेशन करा किसने, Na2O2 ने किया है। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, Na2O2 यानी कि सोडियम परऑक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये क्रोमियम के +3 को +6 में चेंज कर देता है, जिसका नाम है क्रोमेट। पूरा नाम बोलेंगे तो ये क्रोमेट और ये सोडियम, तो पूरा नाम क्या हुआ, सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है या प्रेसिपिटेट है, तो सोडियम के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये सोडियम का सॉल्ट होने के कारण ये येलो सॉल्यूशन होता है। येलो तो इसलिए क्योंकि क्रोमेट येलो रंग का होता है। ये जो क्रोमेट आयन होता है बेटा CrO4-2, ये वापस कभी कभी ना कभी काम में आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर उस समय आपको याद रहा कि सर ने पहले बताया हुआ है कि क्रोमेट आयन येलो रंग का होता है, सोडियम आयन कलरलेस होता है और क्रोमेट आयन येलो कलर का है, तो दोनों का मिला के रंग क्या हुआ बेटा, तो आंसर येलो हुआ, सॉल्यूशन येलो कलर का होता है, सोडियम क्रोमेट येलो सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना। मैंने लिख दिया येलो सॉल्यूशन, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे पीला विलयन, राइट। तो क्या मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं मैं कि सोडियम परऑक्साइड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका उदाहरण यह है कि वो क्रोमियम के +3 के एक्वा सॉल्यूशन को सोडियम क्रोमेट के एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, और लैब में तुरंत पता पड़ जाता है कि रिएक्शन हुई है, क्योंकि जो चीज पहले हरा था, क्रोमियम +3 का कलर होता है हरा, जो चीज पहले हरा था देखते ही देखते उसका रंग चेंज हो गया, वो येलो पड़ जाएगा। अगर हरी चीज येलो पड़ गई तो बेटा लैब में दिखाई देगा ना बेटा, ठीक है ना, और लैब में दिखाई देगा तो हमें पता पड़ जाएगा कि अच्छा ये इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन है, तो आंसर है जो हमने बाहर से डाला है, और बाहर से क्या पदार्थ डाला है हमने, सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम परऑक्साइड
इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग क्रोमियम प्लस 3 इंटू क्रोमेट आयन, यानी कि Na2O2 एक अच्छा ऑक्सीकारक है और सामर्थ्य रखता है क्रोमियम प्लस 3 के जलीय विलयन को सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन में ऑक्सीकृत करने का सामर्थ्य वह रखता है। ठीक है ना, चलो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब पानी वाली क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।